मंगलवार को संपन्न हो गई। बोर्ड बैठक में बूंदी के विकास के लिए 1,70,00,000 रुपए के प्रस्ताव पास किए गए। बैठक का बीजेपी पार्षद ने विरोध किया और बहिष्कार करते हुए शामिल नहीं हुए। चंद्रपुरा स्थित अम्बेडकर भवन में आयोजित बैठक में कांग्रेस पार्षद को विरोध का सामना करना पड़ा। मुख्य गेट पर बीजेपी पार्षद व नेता धरना देकर बैठ गए। किसी भी पार्षद को अंदर जाने नहीं दिया गया। कांग्रेस पार्षद और बीजेपी पार्षद के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। मौके पर मौजूद सदर पुलिस के जवानों ने झड़प होने से पहले पार्षद को इधर उधर किया। सभापति मधु लुवाल को भी धक्का मुक्की के बीच बैठक के अंदर जाना पड़ा। धक्का मुक्की में बीजेपी पार्षद रंजीत नायक और बीजेपी कार्यकर्ता पूजा घायल हो गई, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। बैठक में सभी कांग्रेस पार्षद सुरक्षा के बीच शामिल हुए और 30 मिनट चली बैठक में बजट पारित हो गया। बूंदी के नए जोनल प्लान, सड़क सफाई सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए बजट पारित हुआ। पार्षद देवराज गुजर ने शहर के एंट्रेंस के चारों गेट को व्यवस्थित करने की मांग की। सड़क को चौड़ा करने का भी मुद्दा उठा। छोटी मोटी सभी समस्याओं को नोट करते हुए बजट पारित हो गया। हंगामा कर रहे बीजेपी पार्षद सभा भवन के मुख्य गेट पर नहीं हटे, धरना लगाकर बैठे रहे। बैठक खत्म हुई तो पुलिस सुरक्षा के बीच वापस से कांग्रेस पार्षद निकले तो यहां पर जमकर धक्का मुक्की हुई। लाते घूसे तक चलाए गए। कुछ महिला पार्षद जमीन पर गिर गई। धक्का मुक्की के बीच सभापति मधु नुवाल अपनी गाड़ी में बीच बचाव करते हुए पहुंची तो वहां पर बीजेपी पार्षद ने घेर लिया। पुलिस पहरे ने सभापति की गाड़ी को बाहर निकलवाया और तेज रफ्तार से विरोध के बीच सभापति की गाड़ी वहां से रवाना हो गई। अंत में घायल पार्षद को एम्बुलेंस द्वारा सामान्य चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा इलाज किया गया। मौके पर भाजपा के पार्षद पदाधिकारी तथा विधायक अशोक डोकरा सामान्य चिकित्सालय पहुंचे। अरे वो तो एसी में बैठे, हम धूप में क्यों तप रहे हैं? ओए बैठ जा, वो तो एसी में बैठे, हम धूप में क्यों तप रहे हैं? अभी दिन अपना है और आज अपनी है। करो नहीं है क्या? आपने खुद ने देखा होगा कैसे कांग्रेस पार्षद ने उठा के हमारे को वहाँ पटका है। अरे पुलिस में कांग्रेस पार्षद ने कैसे उठा के पटका मार दो? कांग्रेस पार्षद ने उठा के पटका मुझे और जनता हमारे वार्ड से वार्ड पार्षद नहीं दिए, क्या हमको समस्या याद नहीं रही? काम करो, काम करो, काम करो, हम हमारा हक मांग रहे हैं। सामने हमारे वार्ड पार्षद को उठा के पटकाया, कांग्रेस पार्षद ने पटकाया, पार्षद ने पटकाया,
प्रशासन यहाँ खड़ा खड़ा देख रही है, प्रशासन देख रही है, प्रशासन चोर है, चोर है, चोर है। क्या बात करते हो, समस्तीकरण में करता हूँ प्रशासन चोर। मैं कह रहा हूँ तो मुझे याद आ रहा है ये मॉनिटरिंग के मामले में समक्ष और हमारे
मैं नहीं समझता कुछ है जो मछली उत्खनन का अभाव है, वहाँ मछली उत्खनन फैल दिया जाए, जो खराब अवस्था में उनको उनको पूर्णता दी जाए, जहाँ कर्मचारियों का अभाव है आप टेंडर पर लीजिए ना, कहाँ दिक्कत आ रही है, जहाँ सरकार की चीज है उसका भी सुविधा रूप से किसी प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है, एक ही आदमी के ऊपर भार डाल देना मेरी समस्या ठीक की स्थिति है। आप तखमीन आपको बताना होगा, कोविड कार्य को देखते हुए जनहित में इस प्रकार के प्रोजेक्ट को निरस्त करने की मेरी बात हो।
सभी मेरे पार्षद गण और सभी कर्मचारी यहाँ पर आए हुए आप सबको सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने बजट पास करवाया, जीवन प्लान पास करवाया और देवराज जी ने जो कमियाँ बताई है उस पर जरूर ध्यान दिया जाएगा। रामराज जी ने भी बहुत अच्छी बात रखी है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये बताना चाहती हूँ कि अपने जो नगर परिषद के माध्यम से हर वार्ड में मैंने कोशिश करी थी कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हर वार्ड में काम कराने की मैंने कोशिश करी थी, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है तो बड़ा अफसोस होता है। और मैं तो चाहूँगी कि सब चौमुखी बूंदी का विकास हो, इसके लिए अभी हमने हाल ही में 6 करोड़ की यानी सड़कों का उद्घाटन करा है, उसका काम चालू हो चुका है और जल्द ही जो हमारी 140 सड़कें हैं जो 30 mm की बनी हुई तो शायद बुनी अभी तक बनी नहीं है, उनका काम भी अप्रैल से चालू हो जाएगा। काम में बहुत समय लगता है हर चीज़ में, मीडिया की शुरू बेहतर और इससे प्रोजेक्ट को पास करने में भी समय लगता है, तो आप मैं बुनी की जनता से सब लोगों से यही कहती हूँ थोड़ा धैर्य रखें, काम होंगे और बहुत सुंदर बूंदी का निर्माण होगा, सारे दरवाजे सुंदर बनेंगे, सब कुछ अच्छा कार्य होगा, लेकिन हर कार्य समय समय से ही काम होगा। और बाकी तो जो आज जो प्लान पास हुआ है तो इससे हमारे बूंदी के कई वार्ड हो गए जहाँ पर बाकी है पट्टे बनना, वो पट्टे भी बनेंगे और भी और क्या होगा, इसमें इतना सुंदर बना है मेला ढंग से भर सके, बारिश आ जाती है किचन की वजह से नहीं भर पाता है, तो हम इसको एक वो बनाकर अच्छा सा तैयारी करने की कोशिश करेंगे। मैं इसके लिए उसको धन्यवाद देती हूँ, इस प्रोजेक्ट को ध्यान दिया जाएगा और जो भी आप लोग हमें बताएं कि कैसे क्या करना है, कैसे हम बूंदी का विकास कर सकें, हम सब मिलकर इस काम को पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके आए। हमने जो आज बजट एक तो बजट का और एक जोनल डेवलपमेंट जो रखा प्रोग्राम, उसके लिए आपने सभी ने मिलकर जो समर्थन दिया उसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही मैं हमारे एक्ट महोदय से भी निवेदन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार हम जो मीटिंग आज आहूत की है इसी प्रकार बीच बीच में भी हम मीटिंग लेते रहें ताकि हमारे जितने भी वार्ड पार्षद हैं वो अपनी बातों को आपसे कह सके। मैं हमारे सभापति जी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि जो आप प्रोग्राम कोई भी बनाए लेकिन हमारे पार्षदों से भी इसकी राय ले, ताकि आज जिस प्रकार की स्थिति हमारे सामने आई है कुछ पार्षद भाई हमारे नाराज भी हुए हैं और उनका नाराज होना भी मैं मानता हूँ कि स्वाभाविक है, अपने वार्डों में हर आदमी की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है क्योंकि उन्हें भी अपने वार्ड में जवाब देना पड़ता है, इसलिए कि जब हम 43 वार्डों का सेक्शन निकाल रहे हैं 17 वार्ड रह गए, इसमें हमारे भी कांग्रेस के भी पार्षद हैं, दूसरे भी हमारे बीजेपी के भी पार्षद हैं, उनको जवाब देना पड़ता है इस बात का कि आपने जो सेक्शन और वार्डों में काम हो रहा है किसी में 16 लाख का किसी के में 30 लाख का, उनको जवाब देना पड़ता है अपने वार्ड में, इसलिए विरोध भी उनका वाजिब है। मैं निवेदन करना चाहूँगा भविष्य में हम इस प्रकार की योजना बनाएं जिससे हमारे सभी शार्ट पार्षद और सेवरत पार्षद वो सभी मिलकर एकजुटता से काम करें ताकि शहर का विकास हो सके। हम ये चाहते हैं कि इस बोर्ड की एक मिसाल बने, आप सभी का जो सहयोग समर्थन आप लोगों ने हमें दिया है, हम चाहते हैं कि यह समर्थन आगे भी चले और जो कुछ विरोध आज का हमारे जिन भाइयों के जो काम नहीं हो उन्होंने किया, हम कोशिश करेंगे कि उनको भी बुलाकर उनकी समस्या को समाधान करने की हम कोशिश करेंगे। ये मेरे काम का जो निर्णय है तो आपके लिए दो लाइन बोलूंगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, ना कर किसी बात का कोई वक्त, कोशिश करके तो देख प्रदूषण से गंगा जल भी निकलेगा। कुछ बिंदु है दूसरी जो बात है,
ट्रैफिक है वो हमारे कॉलोनियों के अंदर से उसमें डाइवर्ट होकर गुजर रहा है, जिससे छोटे बच्चों को और वार्डवासियों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिस जो भी संस्था उसका काम कर रही है उसको पाबंद करें और जल्द से जल्द उसको सुचारू रूप से सड़क को बनवाया जाए। और जिस प्रकार पहले वो सड़क इंटरलॉकिंग से बनी थी, अभी उसको सीसी रोड में कन्वर्ट करके उसको सीसी बनाया जाए, क्योंकि भारी से भारी वाहन लोडिंग वाहन, दो बड़े वेयर हाउस, बड़ी फैक्ट्रियां उस गैस गोदाम उस रस्ते पर है, सभी भारी वाहन उधर से गुजरते हैं, इंटरलॉकिंग वहां पर सक्सेस नहीं है। उस रोड को सीसी रोड में कन्वर्ट करके सीसी रोड बनाया जाए गुणवत्ता वाला। दूसरा जो नैनवा रोड चौराहे से लेकर और रजत ट्रैक गेट नंबर 3 के डिवाइडर बना हुआ है उसके बीच में कच्चा है, मिट्टी है, इसके नीचे लाइट की हम प्लांटेशन भी नहीं कर सकते क्योंकि उसके नीचे पोल की लाइट जा रही है। इस वजह से मैं निवेदन करना चाहूंगा उस डिवाइडर के ऊपर वो जो मिट्टी है वो जानवर उस मिट्टी को बार बार बाहर फेंक देते हैं, इससे पूरे रोड पर कचरा बहुत गंदगी फैली हुई है। तो उसके ऊपर अगर हम इंटरलॉक लगवा दें तो वो जो क्षेत्र है वो साफ सुथरा रहेगा और स्वच्छ रहेगा। मगर बोर्ड को बदनाम करना चाहते हैं। मैं कृपया सबसे हाथ को निवेदन करता हूँ
करता हूँ ऐसे बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष और वास्तुओं के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया जाए टेबल पर जाके एवं और यहाँ इसी बैठक में हमने जोनल प्लान भी पास किया है, उससे कि कहीं हमारे नगर में पट्टे नहीं बन पा रहे थे, उन सब का पट्टे बनेंगे और नगर का विकास ही होगा इससे जोनल प्लान से। ये विकास के कार्य के लिए हमने इसमें प्लान भी लिया है कि पहले हमारे निर्माण में अभी कर्मचारियों का वेतन भत्ता 23,10,00,000 और 800 का वेतन भत्ता 40,00,000 कार्य विद्युत में खर्च किया, हमारे नगर परिषद में जो विद्युत का खर्चा है वो 10,00,000, ऑडिट पे 1,00,000, पेट्रोल डीजल में 1,30,00,000, सड़क व पुल में 2,30,00,000, शहरी जलदाय प्रयोजन उसमें विद्युत का 30,00,000 रुपये खर्च किया है, गाड़ियों की मरम्मत 55,00,000, श्रमिक आपूर्ति 55,00,000, ठेकेदार अमानत 2,00,000 रुपये, कर्मचारी की भविष्य निधि 1,00,000 रुपये, ग्रेच्युटी 1.5 करोड़ रुपये, ठेकेदार आयकर 55,00,000 रुपये, कार्यालय भवन के लिए हमने 12 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है, जेसीबी डंपर 1 करोड़ जो कि अभी खरीदने जा रहे हैं, सुरक्षा गार्ड 12,00,000, टाउन हॉल 16 करोड़ का जो जिसके टेंडर हो चुके हैं जल्दी उसकी नियुक्ति पूजन की जाएगी। बीजेपी जो पार्षद में भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं, जो बैठक का बहिष्कार भी किया है, हमने करीब सभी पार्षदों के टेंडर करे हैं और हर वार्ड में काम हुआ है, कोई एक आध वार्ड रह गया होगा तो उसको भी हम करेंगे, क्योंकि पूरी बूंदी हमारी है और पूरी बूंदी का विकास करना हमारा फर्ज है, तो इसको हम जरूर करेंगे और थोड़ा थोड़ा काम सभी के साथ सभी को बांट कर दिया जाए तो आज ये स्थिति नहीं आती। लेकिन जो दोगलापन कांग्रेस राज में हमारे पार्षदों के साथ, पार्षद बनने के बाद सब एक हो जाते हैं, जनता सबकी हो जाती है, सभापति जी को ये समझना चाहिए कि जो बाकी पार्षद हैं जिन्होंने मुझे चुना है उसके अलावा भी पूरा शहर उनका है, वो सीमित पार्षदों की शहर में नहीं है, वो पूरी जनता की सभापति है, सब लोग उनको सभापति कहते हैं, तो उनके पीछे जो सभापति शब्द लगा हुआ है उसकी उनको सार्थकता करनी चाहिए, ना कि उनको भेदभाव करते हुए सिर्फ कांग्रेस के पार्षदों के वार्ड में काम हो और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के कर्मचारी भी नहीं लगे, ये एक दुर्भावना से बहुत क्रोध में जो कार्यक्रम चल रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। मैं भारतीय जनता पार्टी जिला की तरफ से ऐसे कृत्य की मैं दुख जताता हूँ कि इस तरह से करने से ठीक मैसेज नहीं जाएगा, आने वाले समय में अगर यही हालात सभापति महोदय के रहे तो भारतीय जनता पार्टी जिले के नेतृत्व में इस बूंदी की नगर परिषद को हम घेरेंगे और इनको घुसने नहीं देंगे। आज हो सकता है हम संख्या में कम हो या कम लोग बैठे हों, लेकिन मैं आज मीडिया के माध्यम से इनको बताना चाहता हूं, हो सकता है बेड के अंदर कुंडली में गुड़ फोड़ लें, ये सब संभव है, लेकिन जब जनता सड़कों पे उतरेगी तो इनको जवाब देना बहुत भारी पड़ जाएगा। मैं आपके माध्यम से हमारे जिले के यशस्वी जिलाध्यक्ष शीतल लाल जी राणा और हमारे यशस्वी जिला महामंत्री सुरेश जी अग्रवाल और हमारे लाडले विधायक अशोक जी डोगरा के नेतृत्व में आने वाले कुछ ही समय में, शायद हो 10 से 15 दिन के अंदर, हम एक ऐसा आंदोलन इस नगर परिषद को ठप करके रख देंगे, इनको वहां से निकलना दूभर करा देंगे, क्योंकि जनता जब जागती है तो निश्चित ये मानिए अच्छे अच्छों की चूल्हे हिल जाती है, ये अंदर बैठ के आज हो सकता है संख्या में या भाव बल में जैसे भी ज्यादा हो। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने रीट को लेकर जो आंदोलन, उनके ऊपर आज वहां पर भी लाठी चार्ज हुआ है, लाठी चार्ज से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। साथियों, आने वाले समय में आज हमारा एक पार्षद गोलू नायक संघर्ष कर रहा है, ये संघर्ष इसका नहीं है, पूरी भारतीय जनता पार्टी इसके साथ खड़ी हुई है और अब ये लोग जो अंदर बैठे हुए हैं इनको सिर्फ ये हम आज चेतावनी
के रूप में यहाँ बैठे हैं, ये सोच ले अगर 10 दिन के अंदर ये व्यवस्थाएं नहीं सुधारी है तो फिर इनको बोर्ड पे निकलना हम दोबारा करा देंगे। जिस मोहल्ले में भी घुसेंगे भारतीय जनता पार्टी के वार्ड पार्षदों के जिस मोहल्ले में घुस गए उसमें इनका काला मुंह करने का काम हम चालू कर देंगे। तब भाई साहब बात सभापति से करनी है हमारे को, बात सभापति से करनी है हमारे को, बात सभापति से करनी है हमारे को, सभापति से बात करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, सभापति से बात करो। अरे मुकेश कुमार गाड़ी का ले लो, गाड़ी करूं भी मैं दो बात तो खेल सक सकती हूँ, मैं कहना चूते जगह नहीं, दो बात तो खेल सको जो मैम आप नहीं आप दो बात तो खेल सको जो माँ को भाई मैं मारे दो बात तो खेल सको जो हम कर रहे हैं बात उनसे, अरे दूसरे के हाथ पकड़ लो, समझ में क्यों चढ़ी गई है, एक दूसरे के हाथ पकड़ लो। चलो अनंत आजाद बॉट भागो बॉट भागो। बात तो सुनो भैया, ये रवैया अच्छा नहीं है, अच्छा है क्या रवैया, अच्छा है क्या यार सब ड्रामा जी बोर्ड की पहल और कारण क्या है भेदभावपूर्ण रवैया, जहां जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक समानता का संदेश लेकर के जयपुर में और दिल्ली में प्रशंसा पा रहे वही नगर परिषद सभापति भेदभाव कर रही है। गणेश बाग की कॉलोनी जहाँ गरीब बस्ती के लोग रहते हैं, क्या उन गरीबों को सड़क का अधिकार नहीं है, क्या उन गरीबों को नाली का अधिकार नहीं है, क्या उनको ड्रेनेज का अधिकार नहीं है, उनके ड्रेनेज सिस्टम कोई नाली नहीं है, वहाँ पर जीवन दुर्बल हो रहा है। सभापति महोदय ने 5 करोड़ रुपए चोर दरवाजे से खर्च करते हुए कांग्रेस की पार्षद क्षेत्र में करा दिया, नहीं हुआ कहा सुनी हुई, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे बैठे हुए लेटे हुए, इनको गलत तरीके से उठाने की कोशिश करी और कुछ भी नहीं हुआ, न कोई झगड़ा हुआ न किसी तरह का कोई हुआ, अहिंसक रूप से आंदोलन चल रहा है, पूरा पूरा पुलिस प्रशासन गवाह है, किसी प्रकार का कोई हिंसा नहीं हुई है। सभापति भाग रही है, उसने देख लिया ना 9 महीने में 135 करोड़ रुपए चाकसू तक नहीं आए, विकास नहीं किया, पूरी छतरपुरा देवपुरा गणेश बाग पूरा सड़ रहा है, सीवरेज विफल हो चुकी है, 13 करोड़ रुपए सीवरेज वालों को भुगतान कर दिया अनियमित तरीके से, जबकि 13 करोड़ रुपए का काम बता दो, 9 महीने में 13 करोड़ का कौन सा काम हुआ है बूंदी के अंदर, जो सीवरेज कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी, कलेक्टर की गिरफ्तारी के आदेश थे, पूर्व सभापति की गिरफ्तारी के आदेश थे, वो जमानत पर घूम रहे, उस सीवरेज कंपनी को 13 करोड़ रुपए का भुगतान क्यों किया सभापति ने, और भेदभाव सभापति बनने के बाद कांग्रेस भाजपा पार्टी से बराबर है, जिस वार्ड में सड़क नहीं है वहाँ सड़क बननी चाहिए,
छह करोड़ की सड़कों में क्या गणेश बाग नहीं आता, क्या चित्रपुरा नहीं आता, क्या देवपुरा नहीं आता। वास्तव में बूंदी शहर की जो स्थिति है इस मांग को लेकर के भाई मैं कहता हूँ आपकी तो बोलूं। बूंदी के बजट को लेकर के और जोनल प्लान को लेकर के नगर परिषद की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी पार्षदों को अपनी बात रखने के लिए उस पर बजट पर चर्चा होने के लिए, क्योंकि बूंदी शहर का जो बजट है, बूंदी में रोडों की व्यवस्था पिछले बोर्ड में जिस प्रकार की स्थिति बिगड़ी हुई थी, हमारे सीसी रोड नहीं है, नालियाँ नहीं है, पूरा बूंदी शहर खुदा पड़ा हुआ है, उसको लेकर के चर्चा करने के लिए यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई गई थी। इस मीटिंग में बीजेपी के जो पार्षद हैं उन लोगों ने इस प्रकार की जो स्थिति बनाई कि इन्होंने धरना प्रदर्शन करने की स्थिति बनाते हुए इन्होंने मुख्य द्वार पर ही न तो पार्षदों को आने जाने दिया, न सभापति को, न उपसभापति को, पुलिस के द्वारा सभापति को, सब लोगों को वहाँ आने जाने के लिए प्रयास किया गया। जो ड्रामा इनका चला उसका एक मैं एक तकमीना बता देता हूँ। अभी मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, मुख्यमंत्री जी ने 6 करोड़ में 43 सड़कें दी है। 43 सड़कों में जो यहाँ पार्षद बैठे हुए हैं, चाहे वो हरिशंकर सैनी हो तो ठीक, चाहे मानस जैन हो तो ठीक, चाहे किरण परिहार हो तो ठीक, चाहे रामराज अजमेरा हो तो ठीक, संदीप यादव हो तो ठीक, रामरेश गुजर हो तो ठीक, इनके वार्डों में काम के लिए तकरीबन 1.5 करोड़ के काम अभी स्वीकृत किए हैं। जो पार्षद ये कहते हैं कि हमारे वार्डों में काम नहीं हो रहे हैं, ये जो धरना प्रदर्शन दिग्बल में करके लगा रहे हैं, धोती राजनीति करने का प्रयास भाजपा के लोग कर रहे हैं। लेकिन एक चीज बताइए, जिस तरीके से मैडम गाड़ी लेके निकली एकदम, सबकी गेट बंद होते हुए चाहे तो इनसे बात कर सकती थी। मूल रूप से मैं आपको अवगत करा दूं, ये वास्तविक सही है कि जिसकी पीड़ा होती है वो अपनी पीड़ा बताने के लिए आंदोलन भी करता है, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात भी रखता है। दो महीने से गंदा पानी पी रहे हैं। मैं अपनी बात प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में सभापति, पुलिस कमिश्नर, जिला कलेक्टर को वार्ड नंबर 43 पे जो समस्याएं हैं उनको लेकर हम ये ज्ञापन पहले भी दे चुके, और बूंदी शहर के सारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद समय समय पर जिलाधीश महोदय से मिलकर अपनी पीड़ा को भी बता चुके हैं। बूंदी नगर परिषद में जिस तरह का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के साथ हो रहा है, न तो सफाई कर्मचारी, न एक भी भारतीय जनता पार्टी का जो 27 पार्षद है किसी के यहाँ एक सिंगल प्रेकर भी नहीं बना, न एक खड्डा पूजा, जबकि बोर्ड ने 2 करोड़ रुपए के तो रिपेयर के टेंडर कांग्रेस के पार्षदों के करा दिए, बैकडोर से 20 टेंडर कराकर उनका निर्माण कर दिया, 54 करोड़ रुपए के ट्यूबवेल बोरिंग हेडपम्प सारे कांग्रेस के पार्षदों के यहाँ लगाए। नहीं, हमारा 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 सभापति एक मिनट, आज जो मीटिंग थी उसको लेके जो आपने धरना प्रदर्शन किया, मूल रूप वो बताइए कि कार्य क्यों नहीं हुए और आपने प्रदर्शन क्यों किया। हम हमारी एक ही डिमांड थी कि पूरे बूंदी शहर सभापति बनने के बाद, बूंदी शहर की सभापति है 60 वार्डों की, समान रूप से सबको साथ लेते हुए बूंदी शहर का विकास करना है। हम पूर्व की बोर्ड की बैठक में भी ये आश्वासन दे चुके थे कि हर विकास के कार्य में भारतीय जनता पार्टी इनके साथ है, बाकी जो इनका भेदभाव पूर्ण तरीका है। और साथ ही बूंदी शहर की जो सबसे बड़ी समस्या सीवरेज की है कि पूरी बूंदी शहर खुदी हुई है, पिछले बोर्ड में को भ्रष्टाचार में दोषी मानते हुए माननीय जिला कलेक्टर, सभापति और आयुक्त तीनों के कोर्ट ने दोषी मानते हुए वारंट जारी किए और वो जमानत पे हैं। उसी पार्टी को ब्लैक लिस्टेड नहीं करते हुए वर्तमान 9 माह में इन्होंने 13 करोड़ रुपए का भुगतान किया है, जहाँ बूंद और इंदिरा रसोई की भी एक ये स्थिति है। सभापति ने जब इंदिरा रसोई को भ्रष्टाचार में दोषी पाया था, उसके बाद भ्रष्टाचार विभाग ने भी जांच की और 84 लाख रुपए का भुगतान पिछले 9 महीने का इंदिरा रसोई में किया गया है। रसद विभाग से अभी जो
कि 26 पार्षद शांतिपूर्ण तरीके से गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। न कोई बदतमीजी की गई, न कुछ किया गया कांग्रेस के सारे पार्षदों को अंदर जाने के लिए भी हमने टोका नहीं। शुरुआत में जरूर एक पार्षद के साथ धक्का मुक्की की स्थिति बनी थी, बाकी उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सभी पार्षदों को अंदर अलाउ किया। सभापति महोदय बोर्ड की बैठक समाप्ति के बाद सारे लोग, बूंदी की जनता, उस वार्ड की जनता, छतरपुरा की जनता और सारे 28 पार्षद जब बाहर उनका इंतजार कर रहे थे, तो सभापति महोदय ने इनसे इनकी पीड़ा को सुनने की बजाय वो बैकडोर से हमारे पार्षद की छाती पर पैर रखते हुए निकल के गई है। आप बताइए वो पार्षद कौन सा जिसे हमें बात करनी है? नायक है, रंजीत नायक। आप बताइए क्या हुआ बूंदी शहर में? हमारे भाई गोलू, मैंने उनसे कुछ नहीं, वोट ने बस एक सवाल चाहिए था भाई, हमारा जो काम है वो हमारी समस्या का समाधान होगा या नहीं, बस अगर हमसे उनसे हमारी एक बात हो जाती तो हम तो कुछ करते ही नहीं, हम तो आराम से बैठे थे, हमने किसने कुछ नहीं कहा था भाई आप अंदर मत जाओ या बाहर मत आओ, बट उन्होंने हमारी समस्या नहीं सुनी और बिना सुने वो यहाँ से हमें धक्का मुक्की करके निकल गए, मेरे पापा को धक्का मार के उधर खड्डे में गिरा दिया। बस यही कहना है कि वो ऐसी लेडीज थी, ऐसे उपाध्यक्ष थे जो हमारी जनता की कुछ भी सुन नहीं सकते, बस यही कहना है सर। नाम बताओ। पूजा। एक दो अंदर जाओ, दो जना अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, एक जना जाओ, अंदर जाओ, एक जना जाओ, मरके वाला जवान बच्ची ले बिठाओ, बच्ची ने बच्ची घट जाओगी यार, कोई का दगा ही कवर, थोड़ी भीड़ कम कर दो, अब बहुत भीड़ आई है, अभी तो भाई 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 भाई, अच्छा अच्छा ये रहो, इसका भी एक्सरे करवा लो, अरे सफेद मिर्ची है क्या किसी नहीं, हंगामा नहीं हुआ, ऐसे था कि नगर परिषद बोर्ड की बैठक है तो कुछ पार्षदों को और मोहल्ले वालों को आपत्ति थी कि हमारे वार्डों में काम नहीं हो रहा, तो धरने पे बैठे थे,
हमारे पार्षद गए वो भी बैठे, तो सभापति को या आयुक्त महोदय को ये चाहिए था कि भी इनको इनसे बातचीत करके आश्वासन देके वहाँ बुला लेते, कोई इनसे बातचीत करने नहीं आया और एक तरफा कार्रवाई करके और जो वहाँ भगने की प्रयास किया इन्होंने बात भी उनकी, जो आज एक पार्षद भी जिम्मेदार है व्यक्ति उसके साथ पूरा मोहल्ला बैठा है तो उसके कम से कम उनकी पूछो तो सही भी आप लोग क्यों बैठे हो, आपको तकलीफ क्या है, आपको वो तकलीफ भी जानना नहीं चाहते और एकदम भग गए तो ये बिल्कुल गलत किया है इन्होंने। उस भगदौड़ में हमारे तो कुछ एक पार्षद के और कुछ और बच्चों के लगी चोट, उसके उपचार के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन इनको ये चाहिए था सभापति को और आयुक्त को कि ये उनको बुला करके बातचीत करते, बातचीत करने के बाद मीटिंग चलती तरीके से, जब तो एक तरफ अपना बजट पास किया और ये भगने का काम किया तो पैर रखे निकली है। अब ये तो देखो भगदड़ में कितने ही पार्षद उनके निकले हैं, ये बेचारा वहीं धरना देके लेटा हुआ था, इसके ऊपर से निकल गए। सर पुलिस कार्रवाई चाहेंगे बात नहीं, अब देखते हैं, अभी पहले तो इसका ट्रीटमेंट करवाएं, लेकिन ये तो मानवता के नाते सब जो भी हुआ गलत है, कांग्रेसी सभापति और पार्षदों को इस मामले में इनका रवैया बहुत ही गलत रहा है। आनंद सेल्स जो लाए हैं बूंदी में सभी प्रकार की साइकिल व इलेक्ट्रिक ई बाइक साइकिलें, जो चले पैडल व बैटरी से, वो भी 7 पैसे पर किलोमीटर व लो मेंटेनेंस और प्रदूषण रहित। आनंद सेल्स कुड़ोस स्कूल के पास नैनवा रोड बूंदी। दर्शन जो है आपका अपना विश्वास।